हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ शमी, जो हमारे यहाँ आज छोटी दिवाली के दिन बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। इसके लिए मैंने चावल का आटा ले रखा है, जो बहुत ही फाइन पिसा हुआ होता है, और गर्म पानी है रखा हुआ आधा गिलास, और थोड़ा सा मैंने निकाल दिया था गर्म पानी, ज़रूरत लगे तो और डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। यहाँ पे मुरमुरा लिया था जो मैंने ड्राई रोस्ट किया है, इसे हम पाउडर बना लेंगे इसका, तो इसे मैंने पीस लिया है, इसे निकाल देते हैं। इसी में हम डाल देंगे कोकोनट पाउडर, फ्लेवर के लिए ये स्टफिंग तैयार हो रही है, तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी डाल देंगे स्वाद अनुसार इसमें, तो इसे हम नमकीन भी बना सकते हैं, उड़द के दाल की या फिर तिल और बंजीर की। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, इसे हम दरदरा कूट लेंगे। किशमिश छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखी हुई है। आटा भी हमारा ठंडा हो गया है, इसे हम अब गूंद लेंगे गुनगुने पानी से। तो अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे। पहले सॉफ्ट आटा इसका तैयार करेंगे, इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आटा मैंने गूंद के रख दिया है, अब हम इसके सिड़कू बनाना शुरू करेंगे। तो आज के दिन हमारे यहाँ सभी लोग सिड़कू बनाते हैं, और जो छोटी दिवाली के दिन सब लोग सिड़कू बनाते हैं या फिर कोई कापरू बनाते हैं जो दाल के साथ खाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अंगूठे से हम प्रेस करते रहेंगे और अंगुलियों से इसकी किनारियों की फिनिशिंग बनाते रहेंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा। सारे सिड़कू हम ऐसे ही तैयार करेंगे। तो जो स्टफिंग है इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, इसे हल्का सा गीला करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे यहाँ पे, और साथ में जो ड्राई फ्रूट है कूट के रखे हुए इसे डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, और इसकी जो किनारियाँ है उसे हम बंद कर देंगे। इस तरीके से बंद करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे इसे। तो आप भी ज़रूर बताना आपके यहाँ छोटी दिवाली के दिन क्या बनाया जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं इसकी किनारियों में। तो ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है। सारे सिड़कू हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो इसे हम रख देते हैं यहाँ छन्नी में। मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैंने एक छन्नी ले रखी है और एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई है, जिसमें मैं इसे स्टीम करूँगी और उसमें पानी रखूँगी। सारे जितने भी मैंने शेमी बनाई थी वो मैं एक ही बार इसमें डाल दूँगी। तो इसे मैंने यहाँ पैक कर लिया है, जितने भी इसमें आ रहे हैं। तो अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में पानी गर्म हो गया है, और अब हम इसे जो छन्नी है इसे रख देंगे यहाँ पे इसके ऊपर, और 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तब तक हम और काम निपटा लेंगे। तो इसे मैंने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं इसमें जो स्टफिंग है बहुत ही अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। शेमी मैंने यहाँ सर्व की है घी के साथ, चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी के लिए हैप्पी हैप्पी दिवाली।